दोस्तों, माता शब्द, यह शब्द जो होता है हम लोग देवी माँ के लिए यूज़ करते हैं। नवरात्रि में आप लोग बहुत सारे मंदिर घूमते होंगे, बहुत सारी देवी माताओं के दर्शन करते होंगे। दोस्तों, बीच बीच में न्यूज़ भी आती है, लोगों द्वारा कहा भी जाता है कि कुछ लोगों को माता आई हुई है, उस पर माता चढ़ी हुई है, माता उबकी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गाँव ठहर बना कला पर लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ कुछ समय पहले एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें ऐसा कहा जा रहा था कि एक छोटी लड़की के ऊपर माता आई थी और उसने माता जैसे बर्ताव करना चालू कर दिया था। दोस्तों, यह माता शब्द होता क्या है, क्या है इसकी परिभाषा और लोग किसको माता कहते हैं? आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ खैर बना कला। इस छोटी बच्ची द्वारा माता आने का जो बात कहा गया है उसकी जाँच कर चले चलते हैं और जानते हैं सच क्या। तो तुम्हें क्या लगत है ये आए सच में माता के क्या है? आए सच में माता है। अच्छा, जब खिलम रेंग दिस प्रमाणित तो खिलम सुते तो हमार प्रमाणित है। खिला में पूरा तुमन मतलब साक्षात देखिए खिला लगे है, खिला लगे वो उमा सुते। अच्छा, और रेंगी से उमा सोए भी रही से। हाँ, सुते घर के बैठे घर के मनहारी से। अच्छा अच्छा, वो जाना वो कम से कम नहीं रहता लड़की जाता वो 40 किलो भी सोए। अच्छा, जय जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत ही खास जगह छत्तीसगढ़ में। अभी दोस्तों नवरात्रि आ गई है, आप लोग अपने आसपास के मंदिरों में, देवी मंदिरों में जो है, जो प्रसिद्ध मंदिर है उनमें घूमने जाना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों, अभी बीच में पिछले कुछ सालों से जो है एक व्यक्ति है जिनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, काफ़ी सारे उसके ऊपर वीडियोस भी बने, मैंने भी बनाए थे वीडियोस कुंवारी माता करके, जो कि कात्रो दुर्ग में है दोस्तों। अब उस घटना, उस माता के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जाना, काफ़ी वीडियो बनाया। ऐसी ही एक और माता जो है दोस्तों इस साल उभर कर आई है, उन्हें भी कुंवारी माता कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं खैर बना कला, जहाँ एक कुंवारी माता प्रसिद्ध है। माना चलने वाले हैं खैर बना कला की कुंवारी माता, बताने वाले हैं उनके बारे में सच क्या है, कैसे वो कुंवारी माता बनी, क्या यह भी एक अफवाह है या फिर इसमें भी कुछ सच्चाई है, वह भी इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ खैर बना कला गांव। यह कवर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है, जहाँ लगभग 2-3 महीने पहले सावन के समय एक छोटी सी बच्ची है उसके अंदर माता आने की बात कही गई थी। यह गांव दोस्तों कवर्धा से 11 किलोमीटर, बेमेतरा से 58 और रायपुर से लगभग 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। तो ये देख सकते हो दोस्तों, अभी हम लोग खैर बना कला गाँव में हैं और यहाँ जो है ये माता का घर है, और सकते हो दोस्तों ये है घर उनका और ये है माता का द्वार या फिर माता का कमरा बोल सकते हो आप। हम लोग जाके माता से बात करते हैं। दोस्तों, खैर बना कला की इस छोटी बच्ची का नाम खोमेश्वरी साहू है, इनकी उम्र 16 साल है और यह अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। कुछ समय पहले इन्हें कुंवारी माता के नाम से जाना गया और इन्हें कुंवारी माता कहा गया। कुंवारी माता के नाम से दोस्तों अभी आसपास में काफ़ी सारी माताएं प्रचलित हो रही है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, खैर बना कला गांव की जो अभी कुछ समय पहले जो आपने न्यूज़ सुनी थी माता रानी के बारे में, तो यहाँ माता जैसे देख सकते हो कीलों पे बिस्तर पे बैठी हुई है। तो उनसे पूरी घटना जानेंगे, कब की बात है और क्या क्या अनुभव है उनका। तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम लोग। खोमेश्वरी साहू, आपकी उम्र क्या होगी? 16। तो 16 वर्ष। और ये जो अभी घटना सुनने को मिल रही है कि माता उबकी है, ऐसा बोल रहे थे कुछ लोग, तो ये क्या हुआ था और मतलब क्या है ये? मतलब 5 दिन तक तबियत खराब हो गया था। अच्छा, तो मेरे को पता नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं। तो एक दिन अचानक से पहले तो भोलेनाथ आया था पहले में चेक की, उसके बाद दूसरा दिन हम लोग मेरे बर्थडे के दिन आ गए। तो मतलब ये कैसा अनुभव था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? कैसे मतलब? कैसा अनुभव था मतलब? मेरे को कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं? नहीं, मैं भी हॉस्टल। अच्छा, बात कब की है? किससे?
मतलब ये जो शुरू हुआ उसकी बात कब की है? 3 महीने पहले। 3 महीना पहले, मतलब जून के महीने, जुलाई जुलाई के महीने में। तो मतलब उसके बाद ये सब पूजा वगैरह ये सब करने के लिए कुछ सपना आया था कि मतलब अपने मन से ही? नहीं, तो वही लोग बोले पूरे। कौन लोग? माता लोग बोले। अच्छा, काली भोलेनाथ सभी लोग बोले कि हर चीज मूर्ति मढ़ाओ, तुम माता हो तो पूजा पाठ अच्छे से करो। अच्छा, तो सबको फूकने के लिए हर चीज बोली मेरे को। कब आकर बोलते हैं लोग? सोते रहते इन लोग, सोते हैं तो ये फिर ऐसी बात भी करते हैं। आपसे बात करते हैं? हाँ, दिए में बैठ कर। दिया में? हाँ। कैसे, मतलब वो कैसे होता है? आप लोग को पता नहीं चलता, हम लोग को चलता है। हम लोग, अच्छा, मतलब सामान्य कोई व्यक्ति नहीं देख सकता? नहीं। तो आपको वो बताते हैं कि ये आप करो? हाँ, हाँ। तो अभी कहाँ कहाँ से कितने लोग आए हैं आपको ऐसा देखने के बाद? देखने के? हाँ हाँ, मतलब काफी दूर दूर से सुनने को मिला है कि दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। हाँ, दर्शन के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं बाहर से। अच्छा, लेकिन नाम नहीं पूछती मैं, सिर्फ देख सकती कहाँ से ऐसे नहीं पूछती। अच्छा, तो मतलब कुछ परेशानी लेके भी आते हैं? किस प्रकार की परेशानी साथ, अगर आप वाक्य बताना चाहोगे? वैसे तो बहुत सारी परेशानी है, किसी का पैर दर्द है, किसी का बहुत चाहिए, किसी से प्रेग्नेंट नहीं होने का, किसी का बहुत सारे है ऐसे चीज में। तो अच्छा, मतलब आते हैं लोग, तो ऐसे में आप क्या करते हो? हाँ, माता रानी से पूछना पड़ता है जो क्या क्या है। तो कुछ बताती है माता रानी, क्या बोलती है? कैसे बताते हैं, कैसे नहीं बताएंगे? नहीं, मतलब आपको बताते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? फिर जैसे श्रद्धालु आते हैं उनके साथ? बताती हूँ मैं, कोई उपाय एक आध बताइए अगर आप बताना चाहें। कौन सा उपाय बताऊँ? कोई सा भी, जो भी आए होंगे आपके पास, किसी को भी जो आपने बताया होगा उसके बारे में। आते हैं तो माता रानी बताती, वैसे बताऊँ वैसे तो किसी को नहीं बताती, सिर्फ उसी को बताती हूँ ऐसे बाहर वाले को। अच्छा, मतलब जिसको परेशानी होती है उनको बताती? उसी बस को बताती हूँ। अच्छा, मतलब आसान का बात, बाहर नहीं ले जाना पड़ता। अच्छा, मना किया उसके कारण। अच्छा, और ये कील का जो ये बना हुआ है, इस पे बैठने का कारण क्या है, मतलब इस पे क्यों बैठे? माता रानी ने बोला तो मैं बैठी। अभी नवरात्रि में ही कि हर दिन? हर दिन बैठती। अच्छा, जब से हम लोग आए तब से बोले कि खिला का आसन चाहिए, खिला का झूलना चाहिए, हर चीज चाहिए, मेरे को मूर्ति भी चाहिए, जमारा भी बोना है, हर चीज बोले तो मैं पूरा कर। अच्छा, वो एक वीडियो देखा था हमने यूट्यूब पे जिसपे माता सवार हुई थी, वो किस समय का वीडियो होगा उसके बारे में कुछ? मतलब माता सवार हुई थी वीडियो? हाँ, मतलब यूट्यूब में देखा था हम लोगों ने। नहीं, हम लोग कभी भी, आज भी आए थे, हम लोग को टाइम नहीं रहता। अच्छा, मतलब आपको खुद को पता नहीं होता? हम लोग को पता नहीं रहता। अच्छा अच्छा, और ये कील के बिस्तर पे सोना, कील के झूले पे झूलना, ये होता है? हाँ, माता रानी पूरा आते तो हम लोग झूलते, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। घर में जमारा वगैरह भी लगाए जैसे नवरात्रि चालू हो गए तो लगाते हैं? तो हाँ लगाते हैं, लेकिन मैं वहाँ देखो। अच्छा, वो दाना रखा है? अभी सिर्फ वही बार अगर फुलवारी रची हूँ, और वो वाला भी मैं 5 साल के बाद करूँगी। दोस्तों, कुंवारी माता के नाम से अभी पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया में जो है काफी प्रसिद्धि छाई हुई है। आप लोगों ने पिछले 1-2 सालों में कुंवारी माता कात्रो दुर्गा का वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें माता का रूप एक लड़की पे आया था ऐसा कहा गया था। ऐसी ही कुछ बात खैर बना कला के इस कुंवारी माता के बारे में कहा जा रहा है, जो 16 साल की एक छोटी सी बच्ची है। कुंवारी मन, ये आप मन देख सकता है, ये हमारे साथ सब है। अभी जो मंदिर है शीतला मंदिर, एक अध्यक्ष मतलब मंडली के जो रामायण मंडली होकर अध्यक्ष है मन, तीमन पूरा साक्षात दर्शन कर रही, सुदिन देखे रही, तो का घटना हो रही सुखर बारे में थोड़ा सा बताइए। उदिन जिन दिन आये इस लड़की कुंवारी माता यहाँ आ रही से, हाँ। पुजारी साफ कर रही से। अच्छा, मंदिर न, हाँ। तो बोली के पुजारी कैसे चढ़ के साफ कर थे, हाँ। और मैं चढ़े हूँ तो गांव भर के मोला काबर चढ़ते कैसे की बोलत रही से, हाँ। तो कैसे चढ़ थे कि तो खर पापा बोली भाई, हाँ। ये पुजारी है यहाँ के और साफ सफाई कर थे ऐसे ठीक के, हाँ। तो वो चढ़ के साफ कर सकते ऐसे की के, हाँ। तो वो बोलीस के यहाँ यहाँ मैं बैठता हूँ तो मोला सब गांव भर के काबर बैठता हूँ ऐसे की थे, हाँ। तो वो
ओकर पापा बोली थी हाँ कई प्रकार के आदमी है माता और कई प्रकार के बोलत नहीं थे बोला भूल जाओ ऐसे वो है बोली तो हमार ये माँ आई तो हाँ तो वो सब कुछ हो गए दिन हो गए यहाँ मुनादी करवा देना कोतवाल ला यहाँ लड़की मन घुसर अंदर अच्छा लड़की मन क्या मना हाँ मना है आज से ऐसे की के मुनादी करवा देवे ऐसे की के बोली कोतवाल में अच्छा तो हम मन बोले हाँ हम मुनादी करवा दे वो अच्छा ये सब जो घटना हो है एकर बारे में तुम्हार का राय है कि सच में तुम्हें लगता है कि माता चढ़े रही सब कि सिर्फ नाटक रही नहीं हमला वो नाटक वाटक नहीं नहीं लगे हम लगे माता यहाँ कई आदमी वही भर नहीं उदगरे रही थे आऊ कई आदमी उदगरे है अच्छा, तो अच्छा। हमला माते ऐसे टाइप के हमने लगे भाई अच्छा अपमान थोड़ा सा बताइए अपमान लकालत है अब देखो एक माता के रूप में आते आ रही है क्योंकि माँ बाप का कहना कि ये काली माता प्रकट हो है अच्छा तो हम वाला थोड़ा मतलब चाई ठीक निकलना हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो खैर बना कला गांव की कुंवारी माता का जो अभी सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई है। वैसे दोस्तों आप लोग बताइए कि अभी कुछ सालों में कुंवारी माता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल क्यों हो रहा है और क्या सच में ये माता है। हमने काफ़ी सारे लोगों से भी पूछा जिन्होंने इनके दर्शन किए और भी पुरानी जो कुंवारी माताएं हैं उनके वीडियोस भी मेरे चैनल पे हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाय।